हाय एवरीवन, दिस जुडित हियर एंड यू आर वाचिंग फिट एंड ग्लैम शो। सो होली आ रही है और होली खेलने के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैंगे कि हम लोग भूल जाते हैं हमारी स्किन केयर करना, हेयर केयर करना और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना भूल जाते हैं, और उसके बाद हमें जो उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसको ही सॉर्ट आउट करने के लिए हमें लग जाते हैं कम से कम 1-2 महीना कि हमारे बाल खराब हो गए, हमारी स्किन खराब हो गई है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स। ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं ये जो आप होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मेरा पहला टिप हैगा कि आप अगर होली खेलने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या घर पे खेल रहे हैं, होली खेलने से 15 मिनट पहले अपने स्किन को बहुत अच्छे से सनस्क्रीन लगाकर मॉइस्चराइज कर लीजिए। पहले सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि हम अगर बाहर जाएंगे और सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो हमारी स्किन टैन हो जाएगी। और मॉइस्चराइजर मैं लगाने को नहीं बोलूंगी, क्योंकि मॉइस्चराइजर हमें टैनिंग से नहीं बचाएगा। तो मेक श्योर आप अपना फेस धोने के बाद बहुत अच्छे से अपने स्किन पे सनस्क्रीन लगा लें। सनस्क्रीन लगाने के बाद अपने फेस के ऊपर कोई अच्छा सा फेशियल ऑयल होता है या आलमंड ऑयल होता है, उसको भी लगा ले। उससे क्या होगा, हमारे स्किन की प्रोटेक्शन होगी। जब हमारे फेस पे कलर आएगा तो वो हमारे फेस पे लगेगा नहीं, बल्कि वो अगर हम जब नहाएंगे तो वो पूरी अच्छे तरीके से वैनिश हो जाएगा। टिप मेरा ये हैगा बालों की केयर करना। बालों की केयर करना इतना इंपॉर्टेंट होता हैगा। उस टाइम पे हम होली खेल लेंगे लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम होगी उसको हमको फेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास सेकंड टिप ये हैगा, एक नाइट पहले ही आप अपने हेयर को ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयल जो है वो पूरे अच्छे से ओवरनाइट आप एक दिन पहले रखेंगे तो वो अब्सॉर्ब कर लेगा, उस पर एक लेयर बन जाएगी, तो वो कलर जो है वो आपके रूट्स में नहीं जा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो रूट्स में चले जाते हैं तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग को। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑयल, अपने हेयर को बहुत अच्छे से ऑयल करें। और जब भी आप होली खेलें तो प्लीज टाई अ बन, एक जूड़ा अपने सिर पे जरूर बांध लें। खुले बाल रखकर कभी मत खेलें, फैशन को थोड़ा सा दूर रखना पड़ता हैगा, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रहता हैगा कि हमारे बाल की हमें केयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड टिप ये है कि आप जब भी क्लोथ्स पहने, कोई से भी कपड़े पहने, मेक श्योर कि कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक सिल्क के जो कपड़े उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि सिल्क और सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही, जैसे पानी लगता है कुछ लगता है, वो बॉडी पे स्टिकी हो जाते हैं, जो दिखने में बहुत अजीब से भी लगते हैं। और कॉटन आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहने, हैंड्स जो है वो आपके टैन नहीं होंगे और उससे आपके स्किन पे कलर भी नहीं लगेगा। जितना हो सके अपनी बॉडी को कवर कर कर ही खेलें। फोर्थ पॉइंट है कि आपने होली तो बहुत अच्छे से खेल लिएगी, लेकिन अपने आप किस सोप से धोए। बहुत सारे लोग ऐसे कास्टिक वाले, ऐसे रफ जो ड्राई वाले सोप होते हैं उससे नहाना पसंद करते हैं कि उससे जल्दी से कलर निकल जाएगा, आपके आपके बॉडी पे से, स्किन पे से वो कलर निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है, कभी भी ऐसा ना करें। अपने आप जब भी नहाएंगे, आप जब भी बॉडी वॉश लेंगे, आपको बॉडी वॉश यूज करना है या बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सोप यूज करना है, जिसके अंदर एलोवेरा बेस हो, ग्रीसलीन बेस हो, हनी बेस हो, ऐसे टाइप के सोप आपको ज्यादा यूज करने हैं। और शैम्पू जब भी करेंगे आप, उसके बाद कंडीशनर करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ लास्ट टिप मेरे पास ये है कि आप अपने नहाने के बाद अपनी स्किन को बहुत अच्छे से, बॉडी लोशन को मैं नहीं बोलूंगी आप यूज करेंगे, बॉडी लोशन में होते हैं केमिकल, वैसे ही हम होली खेल चुके हैं, हमारी स्किन पे बहुत सारा केमिकल लग चुका है, हमने उसको भी धोया है। तो आप दो चीज प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, या तो एलोवेरा या तो ग्रीसलिन। मेरा रिकमेंड आपको ये होगा कि आप ग्रीसलिन को यूज करें। मैं खुद मॉइस्चराइजर बहुत कम यूज करती हूँ। कैन यू बिलीव कि मैं मॉइस्चराइजर, मेरे घर में एक बॉटल आती है, वो एक साल चल जाती है, क्योंकि मैं उसको रेयरली यूज करती हूँ। मैं सिर्फ ग्रीसलिन लगाती हूँ, ग्रीसलिन रोज वाटर जो होता है उसका मिक्सचर बनाकर रखती हूँ और वही लगाती हूँ। वो पूरी बॉडी स्किन, अपने स्किन को उस दिन नाइट क्रीम, केमिकल, कोई सी भी क्रीम नहीं लगाना है नाइट के दिन। उस दिन अपने स्किन को बहुत अच्छे से ग्रीसलिन लगाकर आपको सोना है, प्रोटेक्ट करना है। 1 या 2 दिन आप ऐसा कंटिन्यू करें, आपकी स्किन बहुत ही मॉइस्चर रहेगी। ये थे मेरे 5 टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे टिप्स हैं लेकिन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बिफोर एंड आफ्टर प्लेइंग होली। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो जो रेड बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।